रेडियो गंधर्व प्रेजेंट्स अ डॉक्यूमेंट्री स्वर मल्लिका किशोरी आमोनकर। स्वर मल्लिका किशोरी आमोनकर। मनमोहक गायकी पद्म विभूषण किशोरी आमोनकर की, गान सरस्वती किशोरी आमोनकर की, संगीत सम्राज्ञी की, स्वर साधिका की, विदुषी किशोरी आमोनकर, जिन्हें प्यार से सब किशोरी ताई कहते हैं या फिर दीदी। किशोरी आमोनकर, नाम जो अपने आप में संपूर्ण, लेकिन इस नाम के पीछे शख्सियत के कई पहलू हैं। अपने शिष्यों के लिए ईश्वर का रूप और म्यूजिकोलॉजिस्ट और रसिकों के लिए रेवोल्यूशनरी, परफेक्शनिस्ट, ड्रीमर, सब कुछ विदुषी किशोरी आमोनकर। उनकी शिष्या नंदिनी जी कहती हैं, और नंदिनी जी उनके साथ पिछले 25 सालों से हैं। भगवान ही मानते हैं ना दीदी को, उनकी पूजा करते हैं। मतलब मैं और उनकी एक शिष्या है तेजू, उनकी तो वो, मैं और बाकी जो भी आते हैं पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो भगवान है। गुरु जब है वो, मतलब जो हमको सिखाती है, बहुत ही कड़क है। मतलब जैसा होना चाहिए वैसा अगर नहीं हुआ बहुत गुस्सा करती है। जब कमरे से बाहर आती है तो बहुत प्यार करती है। विदुषी किशोरी आमोनकर के शिष्य रघुनंदन पंशिकर पिछले 20 सालों से अपने गुरु के साथ हैं, और वो भी कुछ इसी तरीके से कहते हैं। वैसे तो दीदी के पास सीखना एक बहुत ही अलौकिक अनुभव है ये, क्योंकि यानी कि मेरे जैसे मेरा घर अभी है वैसे ही मेरा घर उन दिनों में था। तो जैसे दीदी के पास हम सुबह शाम जाते थे, तो इस बीच में गाना तो दीदी ने सिखाया ही है, क्लासिकल सुरों की पहचान, लाइट म्यूजिक कैसे गाया जाता है, बंदिश किसको कहते हैं, तो प्रेजेंट कैसे करें। लेकिन ये सब चीजों के ऊपर, जैसे बर्ताव जिसको हम बोलते हैं कि आम जो आपका बर्ताव होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का, वो कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में भी हमको बहुत कुछ सिखाया है। किशोरी ताई के शिष्य उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। किशोरी ताई के चाहने वाले, उनके संगीत के चाहने वाले उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, पर किशोरी ताई खुद अपने बारे में कुछ ऐसे सोचती हैं, एंड आई कोट, आई एम अ वोकलिस्ट डीलिंग सोली विद म्यूजिकल नोट्स, आई स्ट्राइव हार्ड टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंट देम इन ऑल देयर प्योरिटी एंड वाइटैलिटी। दिस क्रेडिट गोज टू माई गुरुज, योरसेल्फ, दे सेड,
टू बी अ गुड ह्यूमन बींग बिफोर यू कॉल योर सेल्फ एन आर्टिस्ट. अकॉर्डिंग टू देम म्यूजिक इज अ बॉम्ब दैट रिलीव्स पेन एंड मिजरीज. Its purpose is to put us in touch with ourselves. My mother told me, sing for nature and everything will respond to you. How true were these words. Birds, animals, trees and grass, even the sun, seem to reciprocate when I sing. संगीत सच में बिल्कुल आध्यात्मिक है. शिष्य रघुनंदन जी कहते हैं, ये एक यात्रा है. जैसे हम बोलते हैं कि खुद को खोजो या परमेश्वर को खोजो, दोनों बात एक ही है. तो ये खोजने का जो प्रवास है, जो यात्रा है, वो यात्रा में दीदी है और हम भी चाहते हैं कि हम उनके जैसे थोड़ा कुछ बनने की कोशिश करें. और ये यात्रा बहुत आनंददायी है क्योंकि ये सुर की यात्रा है. थ्रू सुर, थ्रू भाव, हम जिसको बोलते हैं कि हम वो अनंत जो है उसकी तरफ पहुंचने की जो कोशिश है, क्योंकि अगर हम पहुंच जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं शेष बचेगा. और दीदी मेरे ख्याल से सबसे आगे इसमें है. जो और गाने सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन और अलग अलग गाने के अंदाज है और बहुत ही बेहतरीन गाने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो अंदाज है कि जिसको पर तत्व जिसको बोलते हैं, परब्रह्म या खुद की खोज में आप बोल सकते हैं उसको, उसमें तो बहुत ही सभी है, लेकिन दीदी उसमें मेरे ख्याल से आगे है. और किशोरी ताई खुद इसके बारे में कहती हैं, स्वर ईश्वर का रूप है, स्वर सनातन है, हमें उनके साथ जीना चाहिए. अनकोट. शी ऑल्सो सेज दैट म्यूजिक इज मोर देन नोटेशंस और कॉम्पोजिशंस और स्टाइल्स. इट इज एन ओशन ऑफ फिलोसफी, अ माउंटेन ऑफ नॉलेज, एन इटर्नल टीचर whose student I will always remain. Unquote. संगीत का तारा जन्मा था 1931 में माधवदास और मुगुबाई जी के घर में, और संगीत की शुरुआत हुई लगभग 60 साल पहले. आरंभ में किशोरी ताई अपनी माँ और गुरु विदुषी मुगुबाई कोडिकर जी के साथ जाया करती थी कॉन्सर्ट्स में. और किशोरी ताई खुद इसके बारे में कुछ इस तरह से व्यक्त करती हैं, आई स्टार्टेड अकॉम्पनिंग माई व्हाइल आई वाज स्टिल इन स्कूल. Whenever she performed, I would sit behind her and give vocal support. Nobody could assist her like I did. And so she would insist that I accompanied her every time. So much so that she would cancel a concert if it coincided with mine. I don't exactly remember when I started singing solo in public, since my mother did not allow me to. For a long time, she said,
वंस यू गो यू विल नॉट कम बैक एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड वंस आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग आई जस्ट केप्ट फोर्जिंग अहेड एंड टुडे हियर आई एम मुखुपाई जी ने अपनी बेटी किशोरी जी को न केवल संगीत की शिक्षा दी बल्कि रहन सहन समाज में उठना बैठना ये सब भी सिखाया। विदुषी किशोरी आमोनकर इसके बारे में कहती है एंड आई कोट, ग्रेट पीपल आर एज स्ट्रॉन्ग एज थंडर एंड एज सॉफ्ट एज अ फ्लावर, माय मदर वाज लाइक दैट। Was my guru, my soul, my mother. She taught me how to live, how to conduct myself in society. She taught me to differentiate between the good and bad. She not only gave me a sound education, but also instilled the right values in me. She made me realize what it is to be a woman and what dignity is all about in your deeds, in your thoughts, in treating people. She meant everything to me. The greatest lesson she taught me is to maintain the dignity and divinity of music. If today I have some place in the world of Hindustani music, the credit undoubtedly goes to my mother. Naturally, today in her absence, I feel totally lost, like an orphan. किशोरी ताई और मुकुबाई कोटिकर जी, बेटी और माँ, शिष्य और गुरु, उनका रिश्ता बहुत ही अटूट, बहुत ही गहरा। किशोरी ताई ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा और जब वो जरा सा भी बीमार हो जाती तो किशोरी ताई बहुत बेचैन हो उठती। इस तरीके से कहना है माँ बेटी के रिश्ते के बारे में। नंदनी जो किशोरी ताई की शिष्य और उनके साथ पिछले 25 सालों से हैं, उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो महसूस किया, कुछ इस तरह से शब्दों में पिरोया। उनके घर में 10 साल रहित और उनके साथ मैंने, मेरा जब शादी तय हुआ उधर से मैं मेरे ससुराल में आ गई। तब तक मैं
दीदी के पास थी, तो इसलिए माई जी का तो मुझे बहुत नजदीक से सहवास हुआ। ऐसे देखा जाए तो दीदी से ज्यादा वो कड़क थी, ऐसे नहीं बोलूंगी। मैंने भी उनसे सीखा है, उन्होंने सिखाया है, वैसे तो छोटी थी लेकिन फिर भी सिखाया है उन्होंने। दीदी जब सिखाती है तो जब तक एक टुकड़ा एक फ्रेज गले में नहीं आती है, वो ये तरीके से नहीं तो वो तरीके से नहीं तो कैसे भी करके वो गले में आने के लिए बहुत प्रयास करती है। तो लेकिन माई जी है, वो दो बार कहेंगी, तीसरी बार कहने के बाद वो एकदम मतलब नहीं आया, मतलब क्या हमारा ध्यान किधर था। ज्यादा से ज्यादा तीन बार वो कहती है, बाद में वो उनका मतलब चला जाता है। दीदी के पास बहुत पेशेंस है, दोनों में बहुत फर्क है माई जी और दीदी में। दीदी मतलब अभी अभी जब माई जी 1985 से लेकर 90 तक जब माई जी थी तो भी उनके सामने बैठती थी, लेकिन दीदी बहुत डरती थी। दीदी ऐसे सोचती थी कि मैं किशोरी आमोणकर नहीं हूँ, एक शिष्य हूँ माई जी की, इसलिए उनको क्या आता है क्या नहीं आता है, वो कितनी बड़ी है, उनके गले में कुछ भी आ सकता है, ये सब चीजें वो बाहर रखती थी। उनका रिलेशन बहुत अच्छा था माँ बेटी का भी और गुरु शिष्य का, उनको माँ से ज्यादा वो गुरु थी, मैंने ऑब्जर्व किया है। आखिर संगीत विदुषी किशोरी आमोणकर के लिए क्या है? तेजश्री आमोणकर उनकी पोती कहती हैं, वो ये चाहती है कि संगीत संगीत में जो सच्चाई है, जो प्योरिटी है, जो आजकल दुनिया में इतनी कम दिखाई देती है, जो दुनिया में जो भी गलत हो रहा है या फिर इतने हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरों से एक शांति जो मिलती है और जो एक सच्चाई का एहसास होता है, वो मेरी दादी लोगों को देना चाहती है। किशोरी ताई जी खुद अपने बारे में, अपने संगीत के बारे में कहती हैं, ऑफ कोर्स आई एम अ क्रिएटिव माइसेल्फ इन द सेंस दैट आई एक्सप्लोर व्हाट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। दादी को वो संगीत के अलावा रंगोली निकालना बहुत अच्छा लगता है, निटिंग वो बहुत अच्छा निटिंग करती है, बहुत अच्छा, तो निटिंग का भी बहुत शौक है और ऐसे सब आर्टिस्टिक चीजों का बहुत शौक है मेरी दादी को। किशोरी ताई ना केवल संगीतज्ञ हैं, बल्कि वो एक थिंकिंग म्यूजिशियन हैं। आई थिंक आई वॉज बॉर्न टू थिंक। व्हेन आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम माय मदर, आई यूज्ड टू कीप ऑन थिंकिंग, व्हाई इज द राग लाइक दिस, व्हाई इज दिस फ्रेज बीइंग रिपीटेड। आई कुडंट गेट एनी आंसर्स देन। ऑफ कोर्स आई वॉज गिवन दिस स्ट्रेंथ टू डेल्व इनटू दिस रियल्म ऑफ म्यूजिक, टू थिंक deep. It made me read a lot of ancient texts and research in depth. And when I traced back, I realized that music is not merely entertainment. It is a way to allow the ultimate peace. But even today, I am fascinated by the mysteries in music. जयपुर अतरौली घराने की विदुषी किशोरी आमोणकर आज इस घराने की प्रमुख कवैया हैं, और आज जहां किशोरी ताई हैं वो उनकी मेहनत, लगन और गुरुओं का आशीर्वाद है। अपनी माँ यानी मुगुबाई जी से तो उन्होंने सीखा ही संगीत, साथ में उन्होंने और घरानों से भी विद्या हासिल की। किशोरी ताई जी ने कभी भी अपने आप को एक घराने में बांध कर नहीं रखा। वे मानती हैं कि संगीत सर्वव्यापी है।
आगरा घराने के उस्ताद अनवर हुसैन खान साहब और विदुषी अंजनी बाई मालपेकर जी से भी विदुषी किशोरी आमोनकर ने तालीम ली, जहां उस्ताद अनवर हुसैन खान साहब ने उन्हें बताया संगीत और आवाज का रिश्ता, उसकी गहराइयों के बारे में बताया, वहीं विदुषी अंजनी बाई मालपेकर जी से किशोरी ताई जी ने वीण के बारे में विद्या हासिल की और अपनी माँ से, अपनी माँ विदुषी मोगुबाई कोडेकर जी से, तो उसके बारे में विदुषी किशोरी आमोनकर जी कहती हैं, Whereas Mai's accents are clearly discernible, rather like sharp-edged crystals of sugar, mine are soft, smooth and tender. The traditionally sharp tonal accents of the Jaipur tradition be rendered mild, courteous and velvety by me. Even if I retain Mai's form, my content will change in accordance with the mood that is to be expressed. Unquote. और इसीलिए शायद इनको रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। इसके बारे में उनके शिष्य रघुनंदन जी कहते हैं, अल्लादिया खान साहब जो पहले जब गाते थे गायन सम्राट अल्लादिया खान साहब, तब वो जब पहले गाते थे तो उनके गाने में विलंबत और सभी चीजें जो गाने में चाहिए वो थी। तो दो साल उन्होंने कुछ अमलेटा करके संस्थान था वहाँ पे उन्होंने गाया और बहुत ही ज्यादा वो गाना हो गया तो उनके गले पे भार आ गई, उनकी आवाज ही बैठ गई। तो उसके बाद में उन्होंने जो फिर कोशिश करके दो तीन साल के बाद उनकी आवाज वापस आ गई, फिर जो बनाया वो आज का जयपुर घराना है जी। तो वो जो उन्होंने उनके आवाज के हिसाब से बनाया, जिसको बोलते हैं कि ताल के ऊपर आधारित, स्वर के ऊपर आधारित, ताल और स्वर का जो संगम है, ये जो है ये दोनों मिला के जिसमें विलंबित जो है वो कम हो गई। तो जो विलंबित कम थी मेरे ख्याल से दीदी ने वही वापस लाई है। तो जो यानी कि विलंबित तो राग का आत्मा है जी, तो आलापचारी जो चलती है वही तो राग की शक्ल बराबर दिखाती है। तो दीदी ने मेरे ख्याल से वो वापस लाई है जयपुर घराने में। जैसे हम बोलते हैं कि भीम पलाश में एक दैवत लगाने का एक तरीका है, अच्छा उसका मतलब जो दिया है कि दैवत अल्प चाहिए। अच्छा अगर दीदी ने वो अल्प का प्रयोग किया लेकिन वो कंटेम्पररी स्टाइल से नहीं किया, अच्छा तो वो कंटेम्पररी जो हमेशा एक ही चश्मे से देखते हैं उनको लगेगा कि ये गलत है। अच्छा लेकिन अलग दृष्टि से देखेंगे कि भैया इसमें अल्प कहा है, तो अल्प इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। वोकलिस्ट डॉक्टर शोमा घोष के भी ऐसे ही कुछ विचार हैं कि राग में तो दिखता है ठीक है सागा मधानी से स्वर, लेकिन उन स्वरों को रूप देना। मैंने अचानक एक दिन, मुझे किशोरी अमनकर जी की कैसेट मिल गई, उसमें था बागेश्री और एक और भोपाली। मैं उनकी बागेश्री सुन के दंग रह गई, कैसे बागेश्री की जो करुणता, वो डिप्रेशन, उसको सामने लाना मैंने उनको पाया कि तभी शायद कलाकार कलाकार बनती है जब अपनी कल्पना से, अपनी आत्मा से जब कोई राग पेश की जाए। किशोरीताई के संगीत के बारे में वोकलिस्ट श्रुति सडोलीकर कहती हैं, जयपुर अतरौली घराने की जानी मानी कलाकार श्रीमती किशोरीताई आमोनकर एक ऐसी कलाकार है जो कई युगों में एक बार पैदा होती है। आपकी प्रकांड बुद्धिमत्ता और आपकी कलात्मकता, आविष्कार, ये सबसे अलग है। आपने अपनी माता जी मोगुबाई जी कुर्रीकर से संगीत की तालीम तो पाई ही है, मगर अपनी प्रतिभा का योगदान उसमें देकर किशोरी ताई ने शास्त्रीय संगीत के आविष्कार में एक नया झंडा गाड़ दिया है, एक नया मकाम हासिल किया है। किशोरी ताई ने शास्त्रीय संगीत की रचनाओं को तो अत्यंत बखूबी पेश तो किया ही है, मगर आपकी भक्ति रचनाओं का भी कोई जवाब नहीं। कितनी बार मैं सोचती हूँ कि ये भक्तिपूर्ण रचनाओं में जो रस आता है, या तो शास्त्रीय संगीत में रस आता है, वो आता कहाँ से है। इसके लिए हमें किशोरी ताई जी को एक सुंदर कलाकार के रूप में और एक सुंदर मनुष्य के रूप में जानना बहुत आवश्यक है। मेरा उनका संबंध जो है, एक बड़ी दीदी और छोटी उनकी बहन, ऐसा है। हम गुरु बहने हैं एक तरीके से, क्योंकि हम सारे एक ही घराने को बिलोंग करते हैं, एक ही घराने के शिष्य हैं। ताई जी का संगीत जो है वो उनकी
बहुत ही अंदर की गहराई से आता है, मन की गहराई से आता है, और ये गहराई उनके स्वभाव में भी है। जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है तब पता चलता है कि ताई कितनी गहरी 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 है। तब्दीली लाने के लिए किशोरी ताई की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने तरह के संगीत में बस डूबती गईं और उन्होंने घराने का संगीत भी कभी नहीं छोड़ा। इसके बारे में वो खुद कहती है, Although I have given up some salient features of the gharana, I cannot stand without it. The basis of my music is still the Jaipur gharana. Unquote. और इसीलिए आज किशोरी ताई जी की शास्त्रीय संगीत में अपनी अलग अनोखी पहचान है। विदुषी किशोरी आमोनकर एक अलग पहचान, एक अनोखी शख्सियत, संगीत एकदम अलग, लेकिन इस संगीत के पीछे कड़ी तपस्या है। बहुत कठिनाइयों में बीता था उनका बचपन और इसका एहसास है उन्हें। She says, I lost my father at the age of 6, so my mother brought us up, me, my younger sister and younger brother. We were very poor then. We used to live in a chawl in Mumbai. Mai was very busy as a performer then. She had to work very hard to bring us up. She would go like a nomad to different places to perform and earn money. And after her concert was over, she would rush back to us. किशोरी ताई संगीत जीती हैं, वे उसमें सांस लेती हैं। वे आज अकेली ऐसी महिला संगीतज्ञ हैं जो स्वर मंडल का इस्तेमाल करती हैं, और इसके पीछे की कहानी वो कुछ इस तरीके से बताती हैं। आई एम परहैप्स द ओनली फीमेल सिंगर टुडे हु यूजेस द स्वर मंडल। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड हाउ आई स्टार्टेड यूजिंग इट दो। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सम टाइम इन द मिड 70s I had lost my voice, so I could not sing and one could not even hear my voice clearly as I spoke. That was the time my mother was still performing
and I used to sit as a listener before her. I realized how deeply I loved this art, so I used to sing within. It was then that I understood what it was to sing within. I had become very weak, so I could not sit with the tanpura or hold it for long. Then a friend of mine brought me the swar mandi, and I started tuning it and adjusting it to suit my pitch. Since then, I have been using the swar mandal in all my performances. The swar mandal helps you in the instant realization of a feeling. Once you run your fingers through the strings of the swar mandal, it immediately sets up the entire environment of the rag. Through the swar mandal, I learnt about many of the micro notes and micro existence of music. I have not left the habit of using a tanpura though. However, a swar mandal is a must for my concert. Unquote. किशोरी ताई को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भी कई बड़े बड़े अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। किशोरी ताई को संगीत के अलावा किताबों से खास मोहब्बत है। किताबों के लिए वो कुछ भी कहीं भी चली जाती हैं। संगीत में वो भाव को बहुत अहमियत देती हैं। रसा थ्योरी इसी पर निर्धारित है, सेज रघुनंदन जी। जो हम दीदी ने, यानी कि दीदी बहुत ही ज्ञानी लोगों से बात करती है या कुछ किताब में से कुछ जो पढ़ती रहती है, तो उसमें से जो दीदी ने हम पे बात पहुंचाई है वो ये है कि रस का मतलब आनंद है। तो अलग अलग तरीके से हम आनंद लेते हैं, जैसे भक्ति से लेते हैं, करुणा से लेते हैं, श्रृंगार से लेते हैं, विभत्स रस से लेते हैं। अच्छा, ये जो रस है तो इसका मतलब है वो चीज से वो आनंद आपको प्राप्त हो रही है। तो जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो हर एक फिल्म वो एंड जो रहता है वो आनंददायी थोड़ी रहता है, कुछ शोकांतिका रहती है। तो शोकांतिका फिर भी है तो हम क्यों उसको बार बार देखने के लिए जाते हैं? क्योंकि ये करुण रस में जो आता है ये, क्योंकि वो जो करुण रस उधर दिखाया जो है उससे ही हम आनंद प्राप्त हैं, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, हम जो अनुभव करते हैं उसको टैली करते हैं हम। जी, तो ये रस सिद्धांत के बारे में ये जो चीजें हैं, तो यही चीजें गाने में भी हर एक सुर जो है अलग अलग रसों के पुराने ऋषि मुनियों ने उनको दिए हैं कि जैसे गंधार है करुण रस के लिए, मध्यम हास्य रस के लिए है। अच्छा। तो ऐसे सब सिद्धांत लिखे हुए हैं। अच्छा। तो उसके ऊपर दीदी हमेशा चयन करती है। किशोरी ताई भजन और ठुमरी भी गाती हैं, लेकिन वो कभी भी फिल्मी संगीत बस एक बार के अलावा उन्होंने दोबारा कभी नहीं गाया, और वो फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने। एंड अबाउट दैट शी सेज, आई डील विद प्योर नोट्स प्योर म्यूजिक एंड व्हेन यू फॉल इन लव विद सच सप्लाइन वर्क यू डोंट फील लाइक डूइंग मंडेन वर्क। माइंड नेवर अलाउड मी टू सिंग फॉर फिल्म्स। The only film song that I sang was for the Hindi film Geet Gaya Pattharon Ne. So upset that I never sang for films again. It is my ardent desire to keep up my mother's tradition. Hence, I do not take much interest in light music. Unquote. Vidushi Kishori Amonkar. आज वो अपने शिष्यों में अपनी कला, अपनी विद्या बांट रही हैं। उनके कई शिष्य हैं और खुद अपनी लेगेसी को और आगे बढ़ाने के बारे में किशोरी ताई कहती हैं, आई हैव नॉट ओनली लर्न फ्रॉम माई मदर एंड अदर गुरुज बट आई हैव ऑल्सो रेड एंड रिसर्च्ड मैनी एंशियंट टेक्स्ट ऑन म्यूजिक। आई वॉन्ट टू पास दिस नॉलेज ऑन टू हूएवर इज इंटरेस्टेड।
एक लंबा सफर तय किया है किशोरी ताई ने। जब उनके पति रविंद्र अमोनकर जी का देहांत हुआ तो वो टूटी नहीं बल्कि अपने संगीत में और विलीन हो गईं। विदुषी किशोरी अमोनकर पिछले लगभग 60 वर्षों से वो संगीत में डूबी हुई हैं। उनको कई लोगों ने कई नाम दिए, स्वप्नदर्शी, आदर्शवादी और पूर्णतावादी विदुषी किशोरी अमोनकर। और आज संगीत उनका सब कुछ है, उनका जीवन है, उनकी सांस है। बस इसी को वो और आगे बढ़ाना चाहती हैं। अपने घराने की गायकी को वो एक नए आयाम पर पहुंचाना चाहती हैं। विदुषी किशोरी अमोनकर। Thank you.
रहे हैं।